ऋचा चड्ढा ने ज़ोमैटो कस्टमर को कह दी ये बात, ज्यादा नफरत नहीं करते, जो खाना है खा ले। आजकल के जमाने में ऑनलाइन फूड डिलीवरी का चलन जोरों पर है, हर कोई घर बैठे खाना मंगवा रहा है। भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फूड डिलीवरी कंपनी ज़ोमैटो इंडिया एक बार फिर मीडिया में छाया हुआ है। इस बार एक कस्टमर ने ज़ोमैटो को लेकर ट्विटर पर ये शिकायत कर दी कि कंपनी उसे एक मुस्लिम डिलीवरी बॉय के हाथों खाना भेज रही है जो कि वो नहीं चाहता, और अपना ऑर्डर कैंसिल करके रिफंड चाहता है, लेकिन कंपनी ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। लेकिन ये मामला अब एक एक बड़ा रूप ले चुका है। इस मामले में अब बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने भी अपना ट्वीट किया है। ऋचा चड्ढा ने ट्वीट में उस कस्टमर को लिखा कि ज्यादा नफरत नहीं करते, एसिडिटी हो जाती है, ठंड रख, जो खाना है खा ले, अनाउंस क्यों करता है, ट्विटर पर थाली चम्मच लेकर शोर ही मचाता है, असल में थाली चम्मच नहीं मिलता खाना खाने के लिए दोस्त। बता दें कि मंगलवार रात करीब 8:30 बजे अमित शुक्ल नाम के ग्राहक ने ज़ोमैटो से खाना मंगवाया, जिसे पहुंचाने का जिम्मा कंपनी ने अपने राइडर फयाज को दिया। इसके कुछ देर बाद अमित शुक्ल ने ट्वीट किया कि मैंने अभी अभी ज़ोमैटो से अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया, क्योंकि डिलीवरी के लिए एक गैर हिंदू राइडर लेकर आ रहा था। साथ ही ज़ोमैटो ने राइडर बदलने या कैंसिल करने पर पैसे लौटाने से भी इनकार कर दिया। ग्राहक ने ट्वीट में लिखा कि आप मुझे ऐसी कोई भी डिलीवरी लेने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते जो मैं नहीं लेना चाहता हूँ। आप पैसे मत लौटाइए, बस मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। अमित की इस ट्वीट पर ज़ोमैटो ने करारा जवाब दिया। ज़ोमैटो ने लिखा कि भोजन का कोई धर्म नहीं होता, भोजन अपने आप में ही एक धर्म है।